हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DFS, दैट इज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस वीडियो में आपको DFS से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे कीवर्ड्स पता लग जाएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक NTA नेट या फिर अगर आप कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इसको हम बोलते हैं अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक। जैसे कि BFS की हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप एक बार BFS भी चेक कर सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों ही किसके अंदर आते हैं? इनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक का फंडा क्या है यहां पे कि हमारे पास प्रेजेंट नॉलेज होती है, पूरी डोमेन लेवल की नॉलेज नहीं होती। मतलब हमारे पास ये पता है कि ए हमें कहां पे लेके जा रहा है, या हम अगर एक सिंपल सा पॉइंट बताएं तो ए से लेट से मेरे को बी पे जाना है या ए से मेरे को सी पे जाना है, तो यानी मेरे को ए से बी पे जाने की कॉस्ट या मेरे को ए सी पे लेके जाएगा कितनी कॉस्ट में, ये पता है। लेकिन बी मुझे आगे गोल स्टेट तक लेके जा रहा है, क्या उसकी एस्टीमेशन है, क्या उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ये हमें नहीं पता। मतलब ये ब्रूट फोर्स मेथड की तरह काम करता है, ब्लाइंड सर्च की तरह काम करता है और ये प्रेजेंट नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ता है। तो इसीलिए BFS हो चाहे DFS दोनों ही अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंडर आते हैं। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, स्टैक। ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? स्टैक, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बेस्ड है। लेकिन जो BFS था वो यूज करता है क्यू, जिसको हम बोलते हैं FIFO बेस्ड। तो यहां पे अगर स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैंने ऑलरेडी ट्री बनाया हुआ है, आप चाहे ट्री भी ले सकते हैं, ग्राफ भी ले सकते हैं। अगर हम इस ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग नोड है हमारे पास ए, तो ए से अगर हम स्टार्ट करें तो लेट्स से सबसे पहले मैं क्या सर्च किया या क्या मैंने यहां पे ट्रेवल किया, ए को, तो ए से आगे मैं क्या जहां पे किस किस जगह पे जा सकता हूं, बी पे या फिर सी पे जा सकता हूं। तो इसको हम कैसे डालते हैं, इसको हम रखते हैं स्टैक के अंदर। तो चाहे आप पहले बी डाल दो फिर सी डाल दो, या पहले सी डाल दो या फिर बी डाल दो, ये आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जो सीक्वेंस है DFS का वो मल्टीपल बन सकता है, लेकिन जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब ये कौन से लॉजिक पे काम करता है, डीपेस्ट नोड पे। मतलब ये सिर्फ डीप पे जाता है और जब डीप पे बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया, बिल्कुल लीफ पे पहुंच गया, फिर ये उसके बाद बैक ट्रैक करता है। लेकिन जो BFS था, BFS शैलो नोड पे काम करता है, मतलब एक एक करके सारे लेवल बाय लेवल आगे बढ़ता है। लेकिन ये लेवल बाय लेवल फॉलो नहीं करेगा, ये पहले डीप में जाएगा, जब डीप में जाने के बाद इसको गोल सेट नहीं मिली तब ये बैक ट्रैक करके फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें ए से, या तो मैं बी और सी को पहले डाल सकता हूं, या इस तरीके से आप कोई भी फॉलो कर लो। लेट्स सी, अगर मैं ये वाला फॉलो करता हूं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो कौन सा लास्ट इन गया, सी। मतलब सी हमने लास्ट में पुश किया तो सी को ही हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो यहां पे मेरे पास मतलब ए के बाद मैं किधर जा रहा हूं, सी पे जा रहा हूं, तो यानी मैं इस डायरेक्शन में गया। अब सी के बाद मैं ध्यान से देखो यहां पे सी से मैं एफ और जी पे जा सकता हूं, तो अगेन मैंने क्या किया, यहां पे बी तो ऑलरेडी हमारे पास है और बी के बाद हमने क्या डाल दिया, F डाल दिया और G डाल दिया। आप बस एक सीक्वेंस को ही फॉलो करो, अब इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि एक डायरेक्शन में चलता जाएगा। अब देखो G हमने लास्ट में इन किया, इसी को ही हम पहले बार निकालेंगे, तो नेक्स्ट नोड कौन सी हमने गया, G पे हमने गए। देखो यहां पे आपको एक डायरेक्शन में ही चलता हुआ, मतलब ये बिल्कुल डीप में जाता जाएगा। अगर इसके बाद कोई और नोड हुई तो ये और नोड की तरफ चलता जाएगा, एक पूरी डायरेक्शन में चलता जाएगा। लेकिन अगर यहां पे लेट्स से कि जी के बाद कोई और नोड नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, अब बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक का मतलब है ये उसके पेरेंट पे जाएगा, और ये पेरेंट कौन सा है, सी, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इसके बाद ये निकालेगा किसको, एफ को। मतलब अब हम किसको ट्रेवल करेंगे, यहां पे F को ट्रेवल करेंगे। तो F से आगे हमारे पास कोई और नहीं है, अगर होता तो ये F से नीचे जाता डीप में, लेकिन अगर नहीं है तो अगेन ये वापस किस पे जाएगा, A पे जाएगा, और A क्या है, यहां पे पेरेंट है, तो A ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, यहां पे B, तो ये किसकी तरफ जाएगा, B की तरफ। तो यहां पे हमने नेक्स्ट नोड कौन सा ट्रेवल किया, B, और जैसे ही हमने B को ट्रेवल किया या B को हमने कवर किया तो इससे आगे कौन से हमारे पास, D और E, तो D और E को हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब ई को हमने यहां से बाहर निकाल लिया, तो नेक्स्ट नोड कौन सी हो जाएगी, ई, और फिर फाइनली हमारे पास कौन सी हो जाएगी, डी। तो ये वन ऑफ द DFS सीक्वेंस पॉसिबल है, आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो। तो
तो अगर हमने कोई भी गोल स्टेट को सर्च करना है, लेट्स से अगर हमने जी को सर्च करना है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा और जैसे ही इसको गोल स्टेट मिल गई तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसका पेरेंट हुआ, तो जी का पेरेंट कौन है सी और सी का पेरेंट कौन है ए, इस तरीके से ये पाथ जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहां पे जो मेन पॉइंट्स है वो यही है कि ये डीपेस्ट नोड की तरफ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, बीएफएस क्या होता है, कंप्लीट, और ये है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है ऐसा पॉसिबल है कि ये मेरे को सोल्यूशन ही ना दे। यस, बीएफएस के अंदर हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एक एक करके सारे लेवल्स को कवर करता है। लेकिन डीएफएस के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि हमें रिजल्ट ना दे, या तो आपके अगर ग्राफ के अंदर साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके ग्राफ के अंदर साइकिल है तो हो सकता है वो साइकिल के अंदर परमानेंट लूप के अंदर फंस जाए। और अगर हमारे पास सर्च स्पेस इनफाइनाइट है, सर्च स्पेस इनफाइनाइट का मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ लेवल्स नीचे नीचे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये करेगा क्या, एक डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और नीचे तक जाता रहेगा, और हो सकता है हमारी गोल स्टेट किसी और डायरेक्शन में पड़ी हो। तो यानी एक तरफ ही ये मूव करता रहेगा, तो हो सकता है कि ये इनफाइनाइट मतलब मूव करता जाए और मेरे को आउटपुट ना दे। तो हमेशा याद रखें कि डीएफएस जो है वो इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट का क्या होता है कि हो सकता है कि सोल्यूशन मेरा ना आए और डीएफएस जो एल्गोरिदम है वो लूप के अंदर फंस जाए। लेकिन होगा ये तभी पॉसिबल अगर हमारे पास सर्च स्पेस जो है वो इनफाइनाइट हो, मतलब एलिमेंट जो सर्च करने हैं वो इनफाइनाइट हो, तो ये लूप में फंस सकता है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमल का फंडा यहां पे क्या है कि जो बीएफएस है वो हमेशा ऑप्टिमल रिजल्ट ही देगा। अगर हमारे पास सारी कॉस्ट जो है वो सिमिलर है, सिर्फ उसी की बात करें, अगर कॉस्ट हमारी अलग अलग है हर एक नोड की, हर एक एजिस की, तो हम बीएफएस को भी यूज नहीं करते, देन वी यूज द ह्यूरिस्टिक मेथड लाइक ए स्टार। लेकिन अगर हम बात करें डीएफएस की, तो डीएफएस जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन दे। हो सकता है कि मेरे को जो सोल्यूशन दे रहा है उसकी कॉस्ट ज्यादा है और एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसकी कॉस्ट क्या है, कम। तो ये भी पॉसिबिलिटी है दैट नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय द डीएफएस। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लास्ट पॉइंट यहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ एजेस, जो कि हम बीएफएस के केस में भी लिखते हैं, क्योंकि ट्री में जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ एजेस हैं, उन सारों को आपको ट्रैवर्स कर ही रहे हो, सारों को आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जनरली हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, वेयर बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब कि हर एक नोड के कितने चिल्ड्रन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, डी, दैट इज डेप्थ। तो डेप्थ का फंडा यहां पे क्या है, जैसे कि अगर हम यहां पे बात करें, तो डेप्थ इस लेवल पे कितनी है, जीरो, देन हमारे पास वन, क्योंकि हमने एक एज को ट्रेवल करना पड़ेगा अगर हमें बी पे पहुंचना है, डी पे पहुंचना है तो दो एजेस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डेप्थ इस तरीके से आपकी बढ़ती जाएगी। और यहां पे ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड द ब्रांचिंग फैक्टर। तो जनरली जैसे बाइनरी ट्री में दो चिल्ड्रन पॉसिबल है, टर्नरी में तीन पॉसिबल, लेकिन यहां पे कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बनती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। तो यहां पे लेट्स से अगर हमें जी को सर्च करना है या किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, अगर हम फिक्स कर दें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर एक के दो है, तो हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर कितना हो गया, दो, मतलब दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है। और डेप्थ कितनी है इसकी, टू, तो यानी कितना हो गया, 2^2, दैट इज 4। तो मतलब फोर सर्चेस के अंदर ये हमें क्या पहुंचा देगा, ये हमें गोल स्टेट के अंदर पहुंचा सकता है। लेकिन ये तभी अगर जो हर एक एज की कॉस्ट जो है अगर वो हम सिमिलर लेके चलते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द बीएफएस एंड डीएफएस। लेकिन ये दोनों ही अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक के अंदर आते हैं और इनके अंदर सिर्फ प्रेजेंट नॉलेज के ऊपर काम करते हैं, इनको ह्यूरिस्टिक या आप कह सकते हो कि एस्टिमेशन वैल्यू के ऊपर काम ये नहीं करते। थैंक यू।